जाके यहाँ पर इतनी बहुत देनी पड़ रही है। इतने बच्चे, ये दरवाजा बंद हो गया, अब निकल आया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। राव साहब कैसे हैं? ईद मुबारक आपको, पेश की ईद मुबारक। छुट्टियों का जो नोटिफिकेशन है वो लग चुका है और स्कूल में चलते हैं। आज की बच्चों की एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं आपको। आज के बच्चे जो हैं ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ और कार्ड वगैरह लेके आए हुए हैं, और आपको भी साथ साथ हम आज की एक्टिविटीज़ के साथ शामिल करते हैं। हमारे साथ साथ रहिएगा। तो चलते हैं जी, ओपन द डोर। चलो राव साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सेहत ठीक है जी? सब खैरियत है। ये जी हमारे गेट कीपर थे, और मौसम आजकल मौसम बहार है, और मौसम बहार की खूबसूरती यकीनन आप महसूस कर रहे होंगे। रंगारंग फूल जो हैं, ख़ास तौर पे जो गुलाब का फूल है, वो क्या खूबसूरत लग रहा है। राव साहब, क्या ख्याल है आपका? खूबसूरत लग रहा है सर। हाँ जी, माहौल बड़ा खूबसूरत नहीं हो गया है? ये पतझड़ के बाद, चूँकि पतझड़ में यहाँ बड़ी बेरौनकी थी, पत्ते भी झड़ चुके थे, दरख्त बिल्कुल वीरान हो चुके थे, लेकिन बहार के आने से मौसम दोबारा खुशनुमा हो गया है। आज कौन सी रात है? चांद रात। आप सेलिब्रेट करेंगी? आप चांद रात को क्या करते हो? चांद रात को क्या करते हैं आप? मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। ऐसे ही है ईद की छुट्टियों के हवाले से, क्योंकि ईद की छुट्टियां जो हैं वो हो चुकी हैं, और बच्चों की एक्टिविटीज़ डियर व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि खूबसूरती के साथ ये आज चांद रात को मनाने वाले हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं। और बच्चे आप कैसे हैं? आप सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। आपने सबने ऊँचा बोलना है, ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो डियर व्यूवर्स, आज इन बच्चों की फीलिंग्स को देखते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम बचपन में ईद को कैसे सेलिब्रेट करते थे। चूँकि ईद जो थी, जितनी भी सेलिब्रेशंस थी, अच्छी ईदें जो हैं वो यकीनन हमारे बचपन की हैं, और आपकी भी बचपन की गुजरी होंगी। तो आज बच्चों को देखते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होने वाली हैं चांद रात को। होने वाला है चांद रात को मजे। खीरे भी खाएंगे? Yes. क्या हुआ? बच्चे जो हैं वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं। मैं क्लासेस में भी गया हूँ, बच्चों की आज की जो एक्टिविटीज़ हैं मैंने वो भी देखी हैं, और ईद खैर मुबारक। बच्चे जो हैं, मैं जहाँ जहाँ से गुजर रहा हूँ, ईद मुबारक की सदाएँ जो हैं वो लगाए हुए हैं, और खैर मुबारक आप सबको भी, मेरे व्यूवर्स को, मेरे देखने वालों को भी, सबको पेशगी ईद मुबारक। और यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, और राव साहब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और राव साहब के अहलो याल को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। मुझे पता है कि आपकी आदतें हैं मजाक की, तो खुश तबा से बंदे हैं, और काफ़ी रौनकें जो हैं वो लगा देते हैं। तो तमाम बच्चे ईदी मांग रहे हैं। तो डियर व्यूवर्स, मुझे मशवरा दें मैं क्या करूं। एक जिंदगी 100 से आपे, और अब ये इतने बच्चे हैं और सब ईद मांग रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? मुझे किस मुश्किल में डाल दिया आपने। तो मैं अगर 4 को देता हूं, 2 को नहीं देता तो भी फंसता हूं। मेरा ख्याल है डियर व्यूवर्स मशवरा दें, इसका क्या हल है? इतने बच्चे हैं, ये देखिए पूरा विंग्स है, ये देखिए। तो यानी वेट भी नहीं कर रहे कि जी मशवरा भी नहीं लेना, और हमें ईद चाहिए चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। तो बच्चे जो हैं इस वक्त जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं।
बस ये देखें मेहंदियाँ लग रही हैं और बेटियाँ जो हैं वो छोटी छोटी नन्नी मुन्नी मेहंदियाँ लगाए हुए हैं। आप ही हाथों को वेल डन, वेरी गुड। और यहाँ पर मेहंदी अभी लग रही है माशाल्लाह। और ईदी जो है वो जान नहीं छूट रही, बी स्माइल ईद मुबारक, ये मेहंदी लग रही है जी। आपको भी, आपको ईद मुबारक व्यूअर्स। ये मेरी बेटी जो है वो आप सब व्यूअर्स को क्या कहना चाह रही है, ईद मुबारक कहना चाह रही है, कह दें आप ऊंचा सा, खैर मुबारक। अपना दिल खोल रहे हैं, देखते कितनी चीजें पागे। यहाँ पर ईदी बहुत देनी पड़ रही है, इतने बच्चे, ये दरवाजा बंद हो गया, अब निकल आया हूँ मैं भाई। अच्छा आप जो मैंने दे दिया वो डिवाइड करें आप, 100 100। मैंने 50 रुपीज दिए चले। आज अली रजा साहब जो है वो सखी हो गए और बेटियों को ईदी दे रहे। अच्छा बेटे अब मैं किस किस को दूं बताएं, एक मिनट देखिए। तो अब ये देखें तो डियर व्यूअर्स बहुत मुश्किल है। अच्छा बस 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 बस, तो आपने देखा बच्चों की जेबा खाली हो गई है। कैसे हो बच्चे, आपने भी ईदी लेनी है? अच्छा चलिए मैं देखता हूँ। एक छोटी सी बच्ची ईदी लेने आई है तो इसको भी दे देता हूँ मैं ईदी। बेटे सबको, अब अपनी फ्रेंड्स के साथ कर लो, डिवाइड कर लें, कुछ चीज़ ले लें आप, टॉफियाँ वगैरह ले लें। आप भी आ जाओ। वालेकुम सलाम, हाँ ठीक ठीक ठीक। तैयारी कर रहे हैं, हम भी जाने, जाना है, शुक्रिया परजाई को जा रहे हो? चलो ठीक है, थोड़ी शॉपिंग करनी है रास्ते में। अच्छा अच्छा, देर हो जाने माशाल्लाह। गर्मी चले जी, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे ईद के बाद। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, हाँ जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इंशाल्लाह जरूर गाँव में याद रखेंगे। लो राव साहब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे ईदी मांग रहे हैं, क्या करूं, किस किस को दूं।
जो बच्चों के साथ था, ये तोहफे मिले हैं माशाल्लाह जबरदस्त। और ये साफ़न भर के कार्ड का मिला है, कितनी बात है, ये बच्चों का प्यार है जी। अरे बड़ी खुशी है सर मुझे। हाँ देखें उस्ताद को कितनी इज्जत मिलती है, है ना, बस दुआएं मिलती हैं बस। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तमाम बच्चे जो हमारे नाइन्थ के हैं वो ई प्ले कार्ड्स ईद कार्ड्स लेके सामने खड़े हैं और ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ जी आज चांद रात मनाएंगे। ओके हैं तो डियर व्यूअर्स ये नाइन्थ क्लास मनाने वाली है चांद रात, और कब मनाएंगे, कल। इन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बच्चों का हल्ला गुल्ला तो व्यूअर्स आपने देखा आज बच्चों की रौनकें और ईद की तैयारियां, और उन तैयारियों पर जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उन पे गौर किया, उनको देखा होगा आपने, और बच्चों की एक्साइटमेंट और उनका ईदी मांगने का मासूम अंदाज़ जो कि हम जब बचपन में हुआ करते थे तो थोड़ी सी भी ईदी मिलने वाली हमें बहुत लगती थी और हम वो खुशियों से भरी होती थी जब हम अपने चचा मामू अब्बू अम्मी से ईदी मांगते और 10 रुपए का कड़कता हुआ नोट जब हमें मिलता तो हम उस कड़कते हुए नोट की खुशी में इतना खुश होते थे कि शायद आज वो 5,000 का नोट भी उतनी खुशी नहीं देता। तो डियर व्यूअर्स ईद की जो सेलिब्रेशन है, ईद की जो खुशियां हैं, वो शायद बचपन की जो फीलिंग्स बचपन के एहसासात के साथ जुड़ी होती हैं। यकीनन आप आज आपने देखा बच्चों की खूबसूरत और मासूम अंदाज और उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशियाँ यकीनन आपने इंजॉय की होंगी इंशाल्लाह, और सबको बचपन याद आया होगा इंशाल्लाह। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे चाहते हैं इजाज़त, रब रखा।